टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान में देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए आदि शब्द आएगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस में, जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल नहीं गया, सीता गई, वह गया, मतलब लास्ट में वाक्य के अंत में आ ई ए आदि शब्द आएगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए इसको पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंस बनेगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। पहले देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर पहले इसका है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ हमने बताया था, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंपल वाक्य होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद देखिए जब निगेटिव सेंटेंस आएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया डिड आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कोई सहायक क्रिया नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, और जैसे ही निगेटिव आता है सहायक क्रिया डिड आ जाती है, और यहाँ पर नाट आ जाएगा क्योंकि निगेटिव है तो डिड के बाद नाट होगा। और यहाँ पर वर्ब की, अब देखिए सेकेंड फॉर्म को हमने कट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब ना होकर के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही निगेटिव सेंटेंस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ख़त्म होकर के वर्ब की सेकेंड फॉर्म ख़त्म होकर के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, यहाँ पर देखिए निगेटिव था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो हो जाएगा, पहले अगर वाक्य के पहले आ रहा है क्या क्यों कैसे, तब पहले डिड लिखेंगे सहायक क्रिया, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, कुछ नहीं देखना है, बस एक ही सहायक क्रिया होती है, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो वचन करता हो, किसी के भी साथ हम यही डिड सहायक क्रिया लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या क्यों कैसे, जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के शुरू में हो, जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के शुरू में हो तब क्या करेंगे, पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। यही हमें बहुत ध्यान दे करके याद रखना पड़ेगा कि जब भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। जैसे ही वो निगेटिव हो गया, जैसे सीला स्कूल गई, तो वहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म लगाना है, और जैसे ही हम कह देंगे सीला स्कूल नहीं गई तो वहाँ पर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड सहायक क्रिया आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में भी यही डिड ही आगे चलता रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जो भी सेंटेंस हो, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जब क्वेश्चन वर्ब, मतलब हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, एक में क्वेश्चन वर्ब पहले आ जाता है और एक में क्वेश्चन वर्ब बाद में आता है, मतलब बीच में आता है। तो अब देखिए जब पहले वाला आएगा तो हम पहले उसकी सहायक क्रिया उसकी इंग्लिश ना लिख करके हम सहायक क्रिया लिख देंगे, और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट जो भी हो, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया एक ही होती है सबके साथ। फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव भी दिया है तो यहाँ पर नाट लगा देंगे, अगर निगेटिव नहीं है तो नाट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के बीच में रहेगा तब क्या करेंगे,
जब हिंदी वाक्य के बीच में होगा तब हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे पहले, जैसे क्या क्या क्यों कैसे कहाँ, ये शब्द अगर बीच में आ रहा है, जैसे शीला स्कूल क्यों गई, अगर क्यों शब्द बीच में आया ना, क्यों गई तो बीच में आया तो हम पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या शीला स्कूल गई, तो क्या की हमें इंग्लिश कहीं नहीं मिल रही है, यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, सहायक क्रिया पहले लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव दिखाने लगता है, बताने लगता है। और अगर वही क्या क्यों कैसे बीच में आ रहा है तब हमें उसकी इंग्लिश पहले लिखनी पड़ेगी, पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है जब क्वेश्चन मार्क हिंदी वाक्य के बीच में होगा तब उसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो हमने स्ट्रक्चर अब देख लिया है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके या फिर पीछे बैक करके फिर से आप दो बार तीन बार देखेंगे तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड सहायक क्रिया होती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर चलिए इसका एक्सरसाइज करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ब लिया है, रेस्ट इज रस्ट, मतलब आराम हराम है। तो हमें आराम नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना है, अपनी स्टडी पर ध्यान देना है और अपना कार्य अपने लक्ष्य के प्रति आगे हमेशा बढ़ते रहना है। तो हमने ये मोटिवेशनल वर्ड लिया है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है राम स्कूल गया, राम स्कूल गया तो क्या हो जाएगा, राम स्कूल गया, यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब राम स्कूल गया तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म क्रिया की, तो राम वेंट। देखिए गो का यहाँ पर देखिए गो होता है इसका फर्स्ट फॉर्म और गो ये होता है सेकेंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। उसके बाद देखिए राम स्कूल नहीं गया, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ये निगेटिव हो गया, राम स्कूल यहाँ पर निगेटिव हो गया नहीं गया, तो हो जाएगा राम डिड नॉट। अब वेंट का देखिए हमने वेंट को इसलिए लिख करके काटा है कि वेंट अब नहीं होगा, यहाँ पर गो हो जाएगा, हो जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, क्या राम स्कूल गया, तो यहाँ पर देखिए क्या क्यों कैसे पहले है, तो पहले की इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, जब पहले कभी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। वहाँ पर देखा जाएगा कि सहायक क्रिया कौन सी आएगी और कर्ता कैसा है, तो यहाँ पर तो कर्ता चाहे बहुवचन हो चाहे एकवचन हो, सहायक क्रिया एक ही है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया पहले लिख देंगे डिड, फिर कर्ता राम सब्जेक्ट हो गया और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया। और यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, हमेशा भूलिएगा नहीं कभी भी इंट्रोगेटिव मार्क लगाना, ये नहीं कि हमने पूरा सेंटेंस बना दिया, इंट्रोगेटिव मार्क अगर छूट गया तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिड हमने पहले लिख दिया है, यहाँ पे क्या कि इंग्लिश ही नहीं लिखी है, और जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और यहाँ पर डिड आ गया। फिर चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राम स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डिड राम नॉट, राम के बाद नॉट हो जाएगा गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया, डिड राम नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए है राम स्कूल क्यों गया, तो यहाँ पर देखिए बीच में क्यों कैसे शब्द आया, बीच में जब ये बीच में आ जाता है तब इसकी इंग्लिश पहले लिखना पड़ता है, तो हो जाएगा व्हाई, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डिड राम गो टू स्कूल, व्हाई डिड राम गो टू स्कूल, व्हाई डिड राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों गया।
यहाँ पर देखिए हमने सारे सेंटेंस यहाँ से अफर्मेटिव से लेकर निगेटिव जितने भी सेंटेंस बनते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का निगेटिव, निगेटिव उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का निगेटिव, मतलब सारे सेंटेंस हमने बताए। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं छूटेगा आपको अगर आप ये वीडियो पूरा फुल वॉच करते हैं, देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं छूटेगा, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको इसको पढ़ने के बाद छूट जाए और आप ना बना सकें। तो यहाँ पर हमने सारे एक एक सेंटेंस का एक्सरसाइज करवा दिया है, तो आप बहुत ही आसानी से कहीं भी कोई सेंटेंस आएगा तो इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राम स्कूल क्यों नहीं गया, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जो है इसका अब निगेटिव कैसे बनेगा, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए व्हाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल, Why did Ram not go to school? यहाँ पर not आ जाएगा, यहाँ go के बाद यहाँ बीच में not लगा देंगे, negative sentence हो जाएगा। तो ये सारे exercise है past indefinite tense के। और हाँ, यहाँ पर ये एक बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी question पूछा जाता है, या कोई भी question पूछेगा, या किसी paper में या किसी exam में अगर question पूछा जाता है, तो ज़्यादातर लोग पास्ट इनडिफिनिट के अफर्मेटिव से ही पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि ये सहायक क्रिया कौन सी लगानी है, सहायक क्रिया ढूंढने लगते हैं कि कौन सी सहायक क्रिया यहाँ पर लगानी है। तो हमें इसको बहुत ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, सिर्फ क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो बनाती रहूँगी, मेहनत करती रहूँगी आप लोग के लिए, आप लोग भी करते रहिए साथ साथ। तो चलिए एंड करते हैं क्लास को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।